अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानी और कश्मीरी भाइयों, क्योंकि अगला साल इलेक्शन के है आज़ाद कश्मीर में, तो मैं स्पेशली सब पार्टियों को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपना लाजमी जो है ना क्लियर मैनिफेस्टो बनाएं और उसमें ये जो हमारे की एरिया है उसको जो नंबर वन प्रायोरिटी रखें। वो क्या हो सकते हैं मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने आज़ाद कश्मीर को एक रोल मॉडल बनाना है, प्रोग्रेसिव स्टेट जिसको आगे चल के जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी उसको फॉलो करे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट, पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर सब पार्टियों को, क्योंकि सारी तकरीबन पार्टियाँ की वो शाखें वही हैं जो पाकिस्तान में, तो वो कोशिश करें कि ये जो कश्मीर है इसको हम साल के तौर पर जो है ना वो इजीली जो है ना वो बहुत जल्दी से एक रोल मॉडल सारे पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों में कर सकते हैं। वो क्या है मेरे दोस्तों कि देखें हमारे जो मेजर पांच बड़े प्रॉब्लम है वो क्या है। नंबर एक के जो मैट्रिक तक जो एजुकेशन है ना वो हर बच्चे और बच्ची के लिए जो है ना वो मैनिफेस्टो में रखें कि ये फ्री तालीम दी जाएगी। ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है मेरे दोस्तों, किसी भी आप डेवलपमेंट कंट्री में देखें तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि जब सेकेंडरी एजुकेशन तक जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना वो अपने शहरियों को फ्री तालीम देती है। दूसरा जो है कि ज़ीरो जॉबलेस, यानी कोई भी जो है ना मिसाल के तौर पर जो आने वाले जितने भी 5 साल 10 साल का ऐसा प्लान बनाए कि जिसमें जो रोज़गार के मिसाल के तौर पर क्लियर इतने लाख जो है ना वो रोज़गार के मौके कश्मीर में कश्मीरियों के लिए पैदा किए जाएंगे। तीसरा मेरे दोस्तों सबसे ज़रूरी है कि आपको पता है कि हमारे ओवरसीज कश्मीरी जो है ना वो उन्होंने जो है ना वो स्पेशली कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसिंग में बहुत बड़ा पैसा लगाया, स्पेशली जो है ना अगर आप कहें तो करोड़ों लगा कर हाउस, जिसमें कोई यानी ठीक है रियाज के अलावा जो इनकम का रिसोर्सेज हैं जो शहर के अलावा जो इतनी भी हमारी हाउसिंग जो है ना वो कंस्ट्रक्शन है वो सिर्फ जो है ना और रहने के लिए, उसमें कोई दूसरा जो है ना ऑप्शन नहीं है जिसमें लोगों की रेगुलर इनकम हो। तो ये अगर गवर्नमेंट इसको भी जो पार्टियां हैं वो शामिल करें कि जो भी इक्तदार में आएगी तो वो हर जो डिस्ट्रिक्ट में एक हाउसिंग सोसाइटी बनाएगी, एक स्टेट ऑफ द आर्ट हाउसिंग सोसाइटी बन सकती है। आप जो है ना वो देखें कि रावलपिंडी में इसी तरह जो ना बड़े जो है ना वो पहाड़ काट काट करके इतनी खूबसूरत जो है ना हाउसिंग सोसाइटियाँ जो है ना बन रही हैं, तो उसी को कश्मीर में एक रेप्लिका करके एक अच्छी जो हमारी पाकिस्तान की हाउसिंग सोसाइटी हैं उनको जो है ना इन्वाइट करके तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ना वो इसको एक लाजम मैनिफेस्टो का हिस्सा बनाएं। तीसरा जो सबसे ज़रूरी है वो ये है कि हमने जो देखना है कि हमारा जो आज़ाद कश्मीर है ना वो स्पेशली उसकी जो पोटेंशियल टूरिज्म के लिहाज से बहुत अट्रैक्टिव है, क्योंकि ये हमारे कैपिटल से बहुत करीब है। उसके बाद ये है कि बहुत नेचुरल ब्यूटी है, बहुत ऐसी जगह है कि जिसको थोड़ी सी तवज्जो देकर इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना रेवेन्यू कमाया जा सकता है, रोज़गार का एक बड़ा हिस्सा जो है ना इसमें जो है वो खप सकता है। तो इसको भी एक नंबर वन प्रायोरिटी सिर्फ काजों में नहीं बल्कि अमली तौर पर बनाई जाए, या नेक्स्ट जो गवर्नमेंट मिसाल के तौर पर मैनिफेस्टो कोई भी पार्टी दे तो इसको नंबर वन प्रायोरिटी लाजमी रखें। उसके बाद मेरे दोस्तों जो ओवरसीज पाकिस्तानियों का एक स्पेशली वजारत सेपरेटली हो और उसमें यह है कि पूरा एक बोर्ड हो कि जो भी मिसाल के तौर पर थोड़ा पैसा है या ज़्यादा पैसा है वो ओवरसीज पाकिस्तानी वो बोर्ड उनको गाइड करे कि आप जो है ना कितने पैसे
से कहाँ इन्वेस्ट करेंगे जिसमें आपका जो है ना फ्यूचर में रेगुलर इनकम में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये ऐसे एरिया है कि इसको हमने जो है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी देना है, स्पेशली जो है नेक्स्ट जो मिसाल के तौर पर पार्टियों की जो कंपटीशन में एक मैनोफेस्टो में एक शामिल होना चाहिए। और उसके बाद मेरे दोस्तों हमने इदारा था ये जो मिसाल के तौर रिफॉर्म है जो जितने भी पब्लिक सेक्टर ने देखे ये थोड़ा सा एरिया है, इसमें एक कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर पूरे आज़ाद कश्मीर को चला सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें 30-30 जो है ना वजारतें हैं, 30-30 जो है शोभा जाते हैं, उसके भी जो है ना शोभा जाते हैं देखें, लेकिन इसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए, इसको जो है ना वो प्रोडक्टिव बनाने के लिए ये भी गवर्नमेंट या इसको मैनिफेस्टो में रखना पड़ेगा, ताकि जो है ना बिल्कुल पूरे इदारे जो है ना वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए, रिफॉर्म हो जाए। और उसके बाद जो पांचवा है वो है जनाब अदालती इस्लाती निज़ाम। देखें हमारे जो है ना अगर कंपेरिजन कहें तो एक जो रावलपिंडी की तकरीबन इतनी पॉपुलेशन है, तो इसमें अगर हमारा सुप्रीम कोर्ट भी है, हमारा जो हाई कोर्ट भी है, हमारी दूसरी अदालतें भी हैं, तो केस को जो है ना वो ज़्यादातर हमने देखा है कि भाई अभी तक वो ना 20-30 साल के केस भी पेंडिंग पड़े। तो इसमें पॉसिबल है कि जो अदालती इंसाफ का निज़ाम बहुत ही फास्ट होना चाहिए, और इसमें पॉसिबल है कि जो है ना वो ज़ीरो केस जो बैकलॉग केस की पॉलिसी पर अपन जो है ना वो नेक्स्ट जो पार्टी आई है गवर्नमेंट अपने जो हमारे मिसाल के तौर पर उसको एक मैनोफेस्टो का हिस्सा रखे। और उसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों मेरे भाइयों वो है इंडिपेंडेंट जो है ना वो मॉनिटरिंग सिस्टम, इसको कहते हैं एहतसाब ओवरसाइट टू द पब्लिक सेक्टर के, जो एहतसाब का ऐसा इदारा हो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो, जो किसी की बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की तरह जो इंडिपेंडेंट हो, ताकि वो एक वॉच डॉग की तरह सबके इदारों के साथ जो है ना वो उनकी मॉनिटरिंग परफॉर्मेंस देखें। तो ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पेशली आज़ाद कश्मीर की सारी पार्टियों को कि वो अपने मैनोफेस्टो में ये की एरिया को कवर करें। और अब हमने जो है ना जो नई जनरेशन के लिए नए जो है ना तरीके से अपनी जो है मिसाल जो सियासत भी करनी है, और जो है ना आवाम की जो रिक्वायरमेंट है ना फ्यूचर रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी जो है ना सियासी हुकूमत भी बनानी है, तो आपने भी जो वोट देना है कि आपने भी किसी पार्टी को या किसी मेंबर को सिलेक्ट करना है, तो लाजमी जो है ना वो ये चीज़ आपने नोट करनी है कि उनकी मैनोफेस्टो क्या है। अच्छा उनके जो है ना वो स्पेशली जो हमारी जो एजुकेशन, उसके बाद हमारी रोज़गार, हमारा टूरिज्म, हमारा ओवरसीज सेक्टर, हमारी रिफॉर्म्स और हमारे अदालती निज़ाम और हमारी जो है ना अकाउंटेबिलिटी, इसके लिए उनके पास क्लियरली क्या एजेंडा है और प्रैक्टिकली उनके पास फिजिबिलिटी प्लान क्या है। अल्लाह ताला हम सबको जो है ना वो उस पर जो है मिलकर इस मुल्क में तरक्की करने और इस मुल्क को किसी जगह पहुँचाने की तौफीक अता फरमाए। वालेकुम सलाम।